आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीप, मेरे चैनल में आपका स्वागत, जिसका नाम है आपको पता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंबई की। जी हाँ, सपनों का शहर मुंबई। मुंबई जाना है सबको। जी हाँ, मुंबई जाना है सबको। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, है कि नहीं? तो चलिए, आज का जो दोस्तों हम बात करेंगे वो है मुंबई की। क्या सच में मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स है? हम बात करेंगे इस चीज़ की कि क्यों इतना ये महंगा है, रहना खाना ये सब, और कहाँ रहना चाहिए, और मतलब क्या कुछ करना चाहिए इस यहाँ आने से पहले आपको, कि आप मतलब स्ट्रांग रहे मेंटली। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया में अभी कुछ ऐसी जगह है, सिटी है और एरिया है जहाँ पर अंधा पैसा लोग कमा रहे। फर्स्ट, इसके पहले मैंने कोटा फैक्ट्री का वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा नहीं? देखा तो देखिए जाके क्या होता है वहाँ। कोटा, राजस्थान कोटा में इज़ अ बिग बिजनेस हब, वहाँ बहुत पैसा कमाई होता है। वहाँ जाकर आप कुछ बिजनेस खोलेंगे ना तो आपको ज़रूर चलेगा। नेक्स्ट, मुंबई अंधेरी वेस्ट 7 बंगलोज 4 बंगलोज, यहाँ पे सबसे बड़ा बिजनेस है और एक बहुत कमाई होता है इधर। फ्लैट्स, रेंट्स, पीजीज, और एक दिल्ली मुखर्जी नगर, दिल्ली में भी कमाई होता है अच्छा खासा। मुखर्जी नगर जो यूपीएससी का वो है, वहाँ पर अगर आप चाय का ठेला भी लगा देंगे ना, आराम से पैसा कमाएंगे। हाँ, मेरा एक दोस्त है दिल्ली, वो यूपीएससी करने गया था, बड़े अच्छे फैमिली से था वो, तो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पर फ्लैट खोल दे के अपना पीजी चला रहा है वो। अब वो अच्छा खासा पीजी चला रहा है, वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। आईफोन भी उसके पास, मैकबुक भी उसके पास, अच्छी सुंदर लड़की भी उसके पास, वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, वापस शादीशुदा है, तो वो पीजी चला रहा है अभी। बहुत सुंदर, अच्छा है उसका। वो अब यूपीएससी नहीं करता, वो गया था यूपीएससी के लिए बट वो क्लियर नहीं कर पाया, तो उसने वो चीज़ छोड़ दी वहीं पे। तो काफ़ी सारे उसके बिजनेस भी, अदर्स, उसका चाय का ठेला भी उधर अब, और ये है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मुंबई की। ऐसे पहले तो मैंने बता दिया कि कौन से ऐसे जगह है जहाँ पर अंधा पैसा हो रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल होके पैसा जा रहा है सबका, मतलब दे दे देते, सब खुल के दे देते हैं, क्योंकि उस जगह की वजह से, है ना? क्योंकि आप उस जगह में अपने सपने लेके जाते हैं, इसलिए सपनों के कारण आप पैसे दे देते हैं, सब कुछ, है ना, निकल जाता है आपसे हाथ से, है ना? तो मैं, ये एक दोस्त है मेरा, उसका कहानी मैं आपको पहले सुनाता हूँ, है मुंबई का। ये वो मतलब 8 दिसंबर 2004, उसका नाम था रवि, है ना? तो उसकी एज थी 25 साल, तो उसको जॉब भी मिला, तो उसको प्रमोशन भी हुआ उसको, रवि का जो मेरा दोस्त था वो। तो उससे उसका ईयरली इनकम बढ़ गया, एनुअल इनकम बढ़ा, हाँ, 3 लाख से 5 लाख हुआ उसका एनुअल इनकम प्रमोशन के बाद। 3 लाख, प्रमोशन के पहले 3 लाख था, इसके बाद 5 लाख हुआ। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक फ्लैट लेगा, अब 1 BHK फ्लैट लेगा बॉम्बे में, उसने डिसाइड किया। हाँ, तो उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर को बुलाया और उसने पूछा उससे कि इसका प्राइस क्या है। तो वो प्राइस सुन के वो चौंक गया, 27 लाख रुपये उस 1 BHK का। आफ्टर विच, इसके बाद उसने ये डिसाइड किया टू बाय होम, वो मुंबई में ही घर खरीदेगा मेरा दोस्त जो है। तो उसने फालतू पैसे उड़ाना बंद कर दिया, फिर उसने काम करना शुरू किया, ओवर टाइम पैसा जमा शुरू किया ताकि वो उसको अफोर्ड कर सके इस होम को, है ना? एंड उसकी एज 25 से 50 हो गई उसकी एज। जी हाँ, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 साल के मतलब नेक्स्ट 25 साल के अंदर उसकी एज 25 से 50 हो गई। उसने 80 लाख रुपये कमाए थे, जमाए थे, सेव किया था, तब वो फिर वो फ्लैट ख़रीदने गया, उस सेम फ्लैट को ख़रीदने गया 1 BHK, तब उसका प्राइस 1 करोड़ हो गया। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ हो गया। हाँ जी हाँ, 1 करोड़ हो गया। तो रवि का जो मेरा दोस्त है, रवि का जो सपना था वो मैं फ्लैट का और एक अच्छे ऑफिस में अच्छा इज्जत का, है ना, सब खत्म हो गया उसका, टूट गया। ऑफिस में इज्जत और अच्छा फ्लैट, एक सी फेसिंग वाला, ख़त्म। पर एक चीज़ आपने नोटिस किया, इन 25 सालों में उस फ्लैट का प्राइस 27 लाख से 1 करोड़ कैसे हो गया? एक स्मॉल BHK, कोई खास फ्लैट नहीं था वो, कैसे हो गया? 400% ग्रोथ, इतना ग्रोथ हो गया, नॉट फॉर, मतलब ये कैसे हो गया? क्यों? कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुंबई में तो ज़्यादा पॉपुलेशन है इसकी वजह से। नहीं, पॉपुलेशन तो हर जगह है, पॉपुलेशन दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, इंडिया में तो, इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेट पॉपुलेशन कंट्री, तो हर जगह तो पॉपुलेशन है, ऐसा तो नहीं होगा ना। पॉपुलेशन मैटर करता है बट और भी कुछ चीज़ें हैं।
तो ट्रूथ इज डिफरेंट, नोबडी डोंट नो दिस। देखिए एग्जाम्पल अंबानी, सलमान, शाहरुख, इनको मुंबई में रहने से प्यार है क्योंकि उनको मुंबई से सब कुछ मिला उनको, है ना। उन्होंने अपना मुंबई में बिजनेस सेटअप कर लिया इसलिए वो लोग वहाँ रहते हैं, इनको पैसा भी यहाँ है, कर्म भूमि है, पैसा कमाते। देखिए मुंबई और न्यूयॉर्क सेम है ना, कुछ बस परचेजिंग पावर पेनिटी जो है ना वो कम कर दे, ऑलमोस्ट सेम ही है वो, है ना। तो आज हम समझेंगे ये चीज़, इसके लिए हम समझेंगे, हमें समझना पड़ेगा ये जो रियल एस्टेट है ये कैसे काम कर रहा है, हाउ इट वर्क्स, है ना, हाउ रियल एस्टेट इंडस्ट्री वर्क्स, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मुंबई, हाउ रियल एस्टेट इंडस्ट्री वर्क, कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे काम करती है, इसके तीन तरह के, थ्री टाइप्स ऑफ पीपल वर्क इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स, बिल्डर, डीलर। इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तीन तरह के काम करते हैं, इन्वेस्टर्स, बिल्डर और डीलर। इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट मनी ऑन प्रॉपर्टी टू गेट कैपिटल गेन कैश फ्लो। इन्वेस्टर जो बंदा है जो प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, हाँ कि नहीं, टू गेट कैपिटल गेन कैश फ्लो करने के लिए। बिल्डर, बिल्ड द प्रॉपर्टी, जो बिल्डिंग को बनाएगा, एंड सेल जॉब सो दैट ही कैन मेक ए गुड मार्जिन, उसको उसको अच्छा पैसा मिले वो बिल्डिंग को जब बनाएगा तो, है ना। डीलर, डीलर मेक्स ए कनेक्ट विथ ईच अदर। डीलर ही है जो इन्वेस्टर और बिल्डर को कनेक्ट करता है, दोनों को मिलवाता है, दोस्ती करवाता है, ईच अदर। हु गेट द डील डन एंड मेक देयर मार्जिन एंड कमीशन इन बिटवीन देम, है ना, एंड मेक देयर कमीशन इन बिटवीन देम। सो ये बात याद रखिए, है कि नहीं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उस प्रॉपर्टी पर, फिर बिल्डर उसको बनाता है, फिर डीलर आता है, डीलर दोनों को मिलवाता है बिल्डर और इन्वेस्टर को। तो ये होता है कि नहीं। तो रियल मिलियनर्स आर मेड इन रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, नॉट इन शेयर मार्केट्स। आजकल शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा कमा रहे, कमाई करिए, बट देखिए कुछ चीज़ें को रिस्क लेना भी, बहुत रिस्क भी, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है ना। ये नहीं कि मैंने अपना ज्वेलरी बेच दिया, घर बेच दिया, सब बेच दिया और बिजनेस हो गया ज़ीरो, मैं रास्ते पे आ गया, ऐसा नहीं होना है ना। आपको हर चीज़ सब कुछ करना है थोड़ा थोड़ा करके, है ना, हर चीज़ में आपको नॉलेज लाना है। ये नहीं है कि एक चीज़ में ही सब कुछ लगा दिए, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है ना। तो रियल मिलियनर्स एंड मेड इन रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज, कितने लोग तो दोस्तों मुंबई में अभी रेंट भी रह रहे इतने साल से। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, एंड आप जो पैसा लगाएंगे वो भी वेरी हाई होना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा मिलेगा, बेशक सी बात है ना। इन रियल एस्टेट देन शेयर मार्केट, वो भी है मोस्ट केसेस में। देखिए इसमें पॉजिटिव कैश फ्लो आता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, आपको पता है एक पॉजिटिव कैश फ्लो आता है। अगर आपके पास कोई कमर्शियल होटल या फिर ऑफिस है तो आपको मंथली उसका 50,000 रुपये आपको, जैसे कि मान लो आप मिलता है ना, तो आप उस 50,000 रुपये आपको भाड़ा मिलता है, अब उसका आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा, मॉर्टेज भी देना पड़ेगा, अदर पेमेंट्स मिला के आप, जैसे कि 50,000 आपका इनकम आता है उस प्रॉपर्टी से, तो आप 50,000 से आप 40,000 चला भी गया आपका टैक्स मॉर्टेज वगैरह से, तो कितना रहा आपके पास 10,000 का, तो आपका कैश फ्लो है एक 10,000 रुपये आपका पर मंथ आपके पास रहेगा, अगर 40,000 रुपये आपने टैक्स दे भी दिया, है ना। तो ये एक है ना, 10,000 रुपये रहना आपके पास कम नहीं है, समझिए। और एक है लीवेज, और एक है लीवेज। लीवेज क्या होता है दोस्तों, इफ़ यू हैव 1 करोड़ रुपीज़, आपके पास 1 करोड़ रुपये टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, नाउ इधर यू इन्वेस्ट होल, पूरा 1 करोड़ रुपये आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और इधर यू इन्वेस्ट सम पोर्शंस, या फिर उस 1 करोड़ से थोड़ा आप इन्वेस्ट करिए और बाकी का पैसा बैंक से लोन ले लीजिए, है ना, सही है ना। 1 करोड़ रुपये आपके पास है बैंक में और आप उसमें से आधा पैसा आप इन्वेस्ट करते रियल एस्टेट से और आधा बैंक से लोन लेते, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी यू विल गेट लेस लोन इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, इफ़ यू लेस, कम लोन मिलता है आपको कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में ज़्यादा लोन मिलता है ना। तो इफ़ यू हैव टू गिव हाई मनी, है ना, इफ़ यू आपको पैसा फ्रॉम योर पॉकेट, आपको अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, पर आप उस अब उसको EMI चुका सकते हैं ना, जो पैसा आएगा आपका उससे, मतलब हम जिस प्रॉपर्टी से इन्वेस्ट किया उससे पैसा तो आएगा ना, भाड़ा तो आएगा ना, तो आप जो लोन लिया था आपने हाफ, उससे आप बैंक की EMI दे सकते हैं, है ना, विद दैट रेंट। सो टेक्निकली 1 करोड़ का इन्वेस्ट किया आपने, देन बैंक लोन भी यूजिंग लीवेज योर वेल्थ मोर, आपका वेल्थ और ज़्यादा हुआ, है ना, ए पीरियड ऑफ टाइम में, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास 1 करोड़ हुआ तो आपने उसमें से पूरा पैसा ना लगा के आधा पैसा लगाया किसी पे,
किसी प्रॉपर्टी पे कहीं पे, और आधा पैसा जैसे कि आपने फिर बैंक से लोन लिया उसको भी लगाया आपने, और आधा आपके पास रहा पैसा। तो जो पैसा आपने लगाया उस प्रॉपर्टी पर, आपको यकीन है उस प्रॉपर्टी से पैसा आएगा मुझे मंथली ईएमआई, मैं दे पाऊंगा बैंक को, तो इट्स ए गुड प्रॉपर्टी, गुड इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक अच्छा है। और एक है दोस्तों एप्रिसिएशंस, यू हैव 1 करोड़ रुपीज़, आपके पास 1 करोड़ रुपये, आप इसकी, आपको इस 1 करोड़ को यूज़ करके, बाई यूजिंग दिस अमाउंट यू टुक 5 डिफरेंट हाउसेज, आपने 5 अलग अलग तरह के घर खरीदे और 20% डाउन पेमेंट देके, है ना, देन यू गेट रेंटल कैश फ्लो, आप पैसा आएगा, रेंट आएगा उस 5 घर से, है ना, फ्रॉम रेंट। तो 1 करोड़ से 5 करोड़ का एक कैपिटल इनकम होगा आपका, बना दिया आपने ये, है ना। लेकिन आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना पड़ेगा, ये नहीं कि सब चीज़ें आप बैंक से लोन ले रहे तो फिर आपके लेने के देने पर जाएंगे, बैंक को ही पैसा देना पड़ेगा, ये नहीं है ना। तो पैसा सेव करना ज़रूरी है, बना दिया आपने तो कैपिटल गेंस होगा आपका, कैपिटल गेंस कैश फ्लो, है ना। बैंक लोन सप्लाई कम, मतलब वो एक है ना, बैंक लोन देती है तो सप्लाई कम, अगर तो सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, इसमें भी पैसा होता है ना, तो सब कर रहे हैं ये सब, है ना, ये भी एक चीज़ है, ये एक चीज़ है कि नहीं। तो अब बात करते हैं कि ये सब तो चीज़ है, लेकिन हर स्टेट का आपको पता है महंगा, जैसे कि आप मुंबई में बोलते हैं कि महंगा है, दिल्ली महंगा है, एक चीज़ आप याद रखिए, हर स्टेट का गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए एक सर्कल रेट बनाता है, सर्कल रेट सेट करता है, यानी कि इस पूरे एरिया के अंदर कोई ट्रांजेक्शन, कोई लेन देन होगा ना, तो इस पर्टिकुलर सर्कल रेट के अंदर होगा, समझ में आ रहा है आपको। मतलब स्टैम्प ड्यूटी, कैपिटल गेन, है ना, टैक्स, जैसे कि कोई चीज़ है 1 करोड़ रुपए का, वो एक कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी है, तो आप वो 1 करोड़ से नहीं खरीद सकते, आपको 1.2 करोड़, 1 करोड़ 2 लाख रुपए से आपको वो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्टैम्प ड्यूटी आएगा, है ना, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा आपको उसमें, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा, है ना, कैपिटल गेन टैक्स, है ना, स्टैम्प ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, इट्स वेरी हाई होता है। तो ये अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग वो होता है ना। तो स्टैम्प ड्यूटी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, स्टैम्प ड्यूटी जो होता है वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है फॉर गवर्नमेंट के लिए, समझ में आ रहा है आपको। स्टैम्प ड्यूटी से ही गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को अगर पैसा नहीं मिलेगा वो गवर्नमेंट सरकार चलाएगी कैसे, स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो स्टैम्प ड्यूटी ही प्रॉपर्टी के वो में बहुत मायने रखता है, उसका हाई होता है बहुत ज़्यादा। तो सर्कल रेट लेस, स्टैम्प ड्यूटी लेस, याद रखिए, है ना, सर्कल रेट लेस, स्टैम्प ड्यूटी लेस। तो क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ना कि जो लोग मुंबई में है, मुंबई में जो लोग खरीदते हैं घर, उनके पास पैसा बहुत होता है, वो लोग ही घर खरीदते हैं, बाकी सब तो इमिग्रेंट्स है जो लेबर काम करने आते हैं, है ना, वो लोग है, बाकी सब कोई नहीं खरीदता। जो घर खरीदता है महंगा सिटी में वो अमीर ही होगा, तो इसलिए वहाँ का स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट को इनकम चाहिए, है ना, दिस इज़ द गेम, उनको मार्जिन चाहिए ज़्यादा। तो जो लोग खरीदते हैं घर उनके पास पैसा बहुत होता है ना, माइग्रेंट्स ओनली फॉर काम के लिए आते हैं कि नहीं। तो हैनो बाय होम वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, जब घर खरीदते हैं कहीं पे भी तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहीं पे भी जब आप घर खरीदेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखिए। मार्केट प्राइस शुड बी हायर देन सर्कल रेट, गवर्नमेंट ने जो सर्कल रेट बनाया है घर का, मतलब गवर्नमेंट ने जो सर्कल रेट बनाया है, मार्केट प्राइस उसका ज़्यादा होना पड़ेगा उस घर का, तभी जाके आपका फ़ायदा होगा। मार्केट प्राइस शुड बी हायर देन सर्कल रेट, है ना, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा, यू कैन सेव मनी। डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ आप खरीदिए, या फिर जो ओनर मजबूरी में सेल कर देते हैं ना, उनका कुछ बैंक लोन वोन होता है, फिर आपको वो लोगों को गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तब वो लोग कोई भी अमाउंट में दे देते हैं क्योंकि उनको बैंक का लोन चुकाना है, तो डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, जो प्रॉपर्टी जो होता है ना कि मतलब सेल कर देते हैं गिरवी, है ना, नीलामी, तो वो भी खरीदने से अच्छा है ना, उसमें भी फ़ायदा है बहुत अगर आपके पास पैसा है तो। नो हिडन कॉस्ट मैनेजमेंट, वो भी एक है, नो हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट जब आप किसी घर खरीदने जा रहे आप देखना पड़ेगा इसमें कोई हिडन कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट फीस, एसोसिएशन फीस,
मतलब उस घर को खरीदने के बाद पता चला कि आपके एक्स्ट्रा खर्चे भी है उधर, है ना, मैनेजमेंट की फ़ीस है, एसोसिएशन का भी फ़ीस है अलग, बिल्डिंग का होता है ना, सोसाइटी का वो, और एक और उसके उसके बाद है इंस्पेक्शन, घर का इंस्पेक्शन बहुत ज़रूर करिए जिस घर को आप खरीदने जा रहे हैं। हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर यू मेंटेनेंस, इस घर को खरीदने के बाद इस घर के ऊपर और कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा इसको मेंटेन करने के लिए, वो भी ज़रूरी है, वो भी देखना पड़ता है मुंबई में, है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ रहना नहीं है उसमें, मेंटेनेंस का बात है और भी चीज़ें हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरा कि कहाँ रहना चाहिए मुंबई में, मैंने सब कुछ बता दिया, रहना कहाँ चाहिए। अगर आप एक्टिंग वैक्टिंग करने आ रहे हैं तो सबको पता है 7 बंगलोस 4 बंगलोस, आरामनगर, वर्सोवा, अंधेरी, ओशिवारा, लोखंडवाला सर्कल, ऐसे ये सब जगह में पहले रहता था मैं, अब तो नहीं रहता हूँ। तो आप कॉरपोरेट में है, अगर आपका ऑफिस वगैरह साउथ बम्बे है तो आप वर्ली में रह सकते हैं, वर्ली सी फेस के साइड में वर्ली रह सकते हैं आप, महालक्ष्मी रह सकते हैं आप, वर्ली में रह सकते हैं आप, कमला मिल्स के इधर रह सकते हैं आप, है ना, वर्ली के आसपास, तो वहाँ भी सस्ता है थोड़ा, मिल जाएगा आपको, स्लम एरिया है वो थोड़ा, पर अच्छा खासा है, थोड़ा झोपड़पट्टी टाइप वो मिल जाएगा आपको, पर अच्छा खासा है, अंदर सब मिल जाएगा आपको, अटैच वाशरूम बाथरूम वगैरह सब मिल जाएगा, रेंट भी आपको 10K 12K 15 13 14 में मिल जाएगा आपको, अगर आपका बजट है तो। बाकी आप अगर ट्रैवलिंग करना चाहेंगे तो गोरेगांव से रहना चाहते हैं तो वहाँ से सस्ता पड़ेगा, वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं, गोरेगांव टू डायरेक्ट वर्ली साउथ बॉम्बे का ट्रेन है, पर बहुत टाइम लगता है, डायरेक्ट ट्रेन भी है आप कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है आने में। तो ये तो है, मैंने बता दिया एक्टर जो है। अब बात करते हैं एक्टर्स की, मैं ये हर देखता हूँ हर जगह में, जब एक्टर्स उस तरफ रहता था, हालांकि मैं एक्टिंग करने नहीं गया था वहाँ, मैं तो बस ऐसी मतलब रेडियो थेरेपी के जॉब के लिए आया था मुंबई, मुझे नहीं मिला, मैं एक्टिंग वैक्टिंग नहीं किया, मुझे पहले जानता था, मैं तो न्यूयॉर्क चला जाता है, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से, न्यूयॉर्क से एक्टिंग सीख के आता और आज है ना काम करता, तो छोड़ी उस बात को। एक्टर का भी मैंने आपको बताया क्या है, ये लोग एक्टर बनने आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग एक्टर बनने क्यों आते हैं, इन्होंने कर रखी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग कर रखा है और आते हैं फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में, है ना, आप इतना साल क्यों घिस रहे इस चीज़ के लिए, फिर इधर आके थिएटर कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फ़ायदा नहीं है, फालतू है ना, ये सब मत करिए। आपको अगर एक्टर बनना है आप न्यूयॉर्क जाइए, यूएस जाइए, फिल्म एकेडमी में कोर्स कीजिए, वहाँ पर डायरेक्शन का, एक्टिंग का, फिल्म है, फिल्म मेकिंग का, वो सब करिए, विस्लिंग उड जाए यहाँ पर करिए, फालतू में क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप भैया, फालतू में ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर जॉब करिए, जॉब ढूंढिए करिए, और फिर आपको जो करना है करिए। सुशांत सिंह राजपूत का मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया लेकिन बाद में वो श्यामक दावर के डांस एकेडमी में डांसिंग परफॉर्मेंस करते थे, डांस परफॉर्मेंस किया उन्होंने, मतलब डांस सीखते थे वो, श्यामक दावर जो है बहुत बड़े डांस उनका स्कूल है श्यामक दावर, और टेरेंस लुइस का भी बहुत बड़ा डांस स्कूल है मुंबई में, आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आगे, अच्छा है, जो बच्चे हैं ना उनको करना चाहिए, अच्छा एक वो मिलेगा अगर आपको इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है तो, फालतू इंजीनियरिंग मत करिए। तो काफ़ी कोर्स भी है, 1.2 लाख 1.3 लाख 1.50 1 लाख 50,000 कोर्स भी है डिप्लोमा इन डांसिंग वगैरह टेरेंस लुइस के वो में, अब आके कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छा है डांस सिखाते हैं, और श्यामक दावर भी अच्छा है बढ़िया है उनका। तो सुशांत सिंह राजपूत तो वहाँ करते थे, उनको फिर वो लोग ऐसे करते करते वो आगे बढ़े है ना इंडस्ट्री में, तो उन्होंने वो पकड़ा, तो ऐसे करके आपको पकड़ना पड़ेगा है ना, आप सिर्फ इंजीनियरिंग करके आके आप बैठे नहीं सकते, आपको और भी स्किल बढ़ाना पड़ेगा है ना। तो आप जो भी करेंगे थोड़ा ध्यान से करिए, और बहुत लोगों को देखा है मैंने, ये मैं बार बार बोलता हूँ, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं फिर आपको एक्टर बनना है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं फिर आपको यूट्यूबर बनना है, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्योंकि जॉब है नहीं, जॉब्स है नहीं है ना, जॉब तो है नहीं हर जगह है ना, जैसे मैं रेडियो थेरेपी किया अब मैं यूट्यूबर बन गया क्योंकि जॉब है नहीं, जॉब है पर उतना सैलरी वो मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे है ना, उस सैलरी में मैं नहीं जाऊँगा है कि नहीं। तो ये बात ये है, तो बाकी सब चीज़ आपने समझा दिया, सब कुछ मैंने समझा दिया आप लोगों को, आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे आप लोग, मैं वीडियो बनाते बनाते जा रहा हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे टाइम निकाल के, और वैसे भी मैं बार बार बोलता हूँ जितना कम एज में आप अपना गोल सेट कर लेंगे, एम सेट कर लेंगे, उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे, समझ लीजिए जितना कम एज में आप अपना गोल सेट करेंगे, एम सेट करेंगे, जो बाहर फॉरेन के बच्चे होते हैं बहुत ही कम एज में वो अपना एम सेट करते, गोल सेट करते, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, है कि नहीं।
तो यही तो है बात, तो इसको आप समझिए। हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो है, मतलब देखिए अगर आप एक 3 लाख का 4 लाख का DSLR कैमरा भी खरीद के सीखते हैं उसको फोटो करते फोटोग्राफी, और आप खुद का स्टूडियो भी खोल लेते हैं ना कि आई एम ए वीडियोग्राफर, तो आपको लोग बुलाएंगे आपको वीडियो शूट करने के लिए, उसके आप 5,000 6,000 कमाएंगे, आप 10,000 एक दिन का शूट में आप कमा सकते हैं, ये भी है। फिर आप एडिटिंग करिए जो मर्जी वो करिए, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने का बहुत तरीका है, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो गलत होगा, है कि नहीं, सही चीज़ में इन्वेस्ट करिए। और हाँ, एप्पल का इवेंट आ रहा है 12 तारीख को, देखते हैं अगर आप लोग सब्सक्राइब चैनल करते हैं और अगर शुरू हो जाता है इनकम मेरा यूट्यूब से, अभी एक पैसा भी नहीं आया यूट्यूब से मेरा, तो मैं चलो आईफोन से शुरू कर दूंगा शूटिंग आप लोगों के लिए, शुरू कर दूंगा आईफोन से ही फिर, है कि नहीं। इवेंट तो 12 तारीख को है तो रिलीज़ होने में टाइम लगेगा, आईफोन आने में भी टाइम लगेगा, तो ये है। तो बात तो ये चीज़ को याद रखिएगा हर चीज़ में जो बोलता हूँ, कि एक्टर बनना है तो एक्टिंग का कोर्स करिए, क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, डांसर बनना है डांसिंग करिए। इस इंडस्ट्री में अपने आप को आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, बस यही है, हर कोई यही बोलता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हो, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने स्किल को सुधारना पड़ता है, एक्टिंग स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, आपके डांसिंग स्किल्स, सब कुछ खुद को ही सेट करना, और कुछ नहीं होता। बाकी इंडस्ट्री का देखिए कितना बुरा हाल है, आपको कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर वो कंपनी आपको कुछ देगी, है ना, ये बात है। तो अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करिए, कैमरा खरीदिए, वो करिए जो करिए, वीडियोग्राफी करिए। देखिए मेरा क्या है ना, मेरे जो पेरेंट्स है हमारा, मैं 90s का हूँ ना जन्म, तो हमारे पेरेंट्स ऐसे थे कि देखिए आजकल के पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को रोक के रखते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, रोक के रखते हैं, नहीं नहीं मत जाओ इधर, मत जाओ इधर, मत जाओ इधर, मत जाओ, सेफ रहना। पर मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे ऐसे थे, जाओ जाओ, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जाओ जाओ, निकलो निकलो, जो करना है करो। इसलिए हम ऐसे है, हम मेरा मतलब मैं ऐसा हूँ इसीलिए, है ना। तो मैंने आपको बोला जैसे कि मैं कोटा में भी था, वहाँ से भी चला आया, लड़की का चक्कर प्यार हुआ, फिर मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में भी था, UPSC SSC ये उधर से भी मैं चला आया, फिर मैं हर जगह था, मैं हैदराबाद में भी था और उधर भी मैं कुछ एक महीना रहा, फिर वहाँ से भी चला आया, मैं हर जगह रह चुका हूँ, फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा, जो भी हो, रोहतक, जगह मैं पूरा घूम चुका हूँ, मतलब पूरा इंडिया में घुमाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा जगह, मैं जो मेट्रो सिटीज़ है मैं घूम चुका हूँ, मुंबई भी घूम चुका हूँ, सारे ब्लॉग्स हैं मेरे मुंबई के, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मुंबई साइकिल ब्लॉग्स, हर जगह घुमा हुआ हूँ, तो एक्सपीरियंस है मेरे में, तो जो भी है मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा वो रहिए, जो जो करना है ना, जो करना है उसी के ऊपर आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना, जो चीज़ करना है उसके ऊपर पढ़ाई कीजिए, जो चीज़ नहीं करना है उसके ऊपर पढ़ाई मत कीजिए, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, छोड़ दीजिए उसको, ख़त्म, बस। थैंक यू, बाय, चैनल सब्सक्राइब करिए। और मुंबई तो भाई मुंबई है, है ना, यहाँ पर स्ट्रगल है, डिप्रेशन है, और हाँ मुंबई में तो आधे से ज़्यादा बिजनेस जो अभी डिप्रेशन सेंटर जो है, योगा वगैरह, मेडिटेशन सेंटर्स पैसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि सब डिप्रेशन में है अपने करियर गोल्स को लेकर, सब साइकियाट्रिस्ट पैसे पे पैसे कमा रहे हैं वो लोग, 1500 रुपये, 1000 रुपये। मैं एक साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से कोर्स लेने गया था और मैं वो कोर्स लिया सस्ते में, तो 600 रुपये का कोर्स था, उसमें मैंने देखा 1000 2000 लोग वो कोर्स कर रहे हैं, और उसमें से 600 से अगर 1000 को अपने कर दिया कितना होता है सोच लीजिए, फिर वो इतना पैसा कमा रहे हैं अब, है ना। तो मेडिटेशन सेंटर्स, योगा सेंटर्स पैसा कमा रहे हैं दोस्तों, योगा इज़ द मेन बिजनेस, हेल्थ इज़ द मेन बिजनेस नाउ, है ना, तो हेल्थ से पैसा कमा रहे हैं सब, मेडिटेशन सेंटर्स खुल गए अब, मेडिटेशन से ज़्यादा पैसा कमा रहा है सब, मेडिटेशन करके, है ना, दिमाग शांत करने के लिए, डिप्रेशन में अपने अंदर की काम को नहीं रोक पाते, कामकता को, लड़की देखती उछल कूद पड़ते हैं लोग, है ना, अरे बाप रे लड़की लड़की लड़की, तो ये एक है ना, तो मेडिटेशन सेंटर्स बहुत पैसा कमा रहे, तो मसाज पार्लर्स भी पैसे कमा रहे अब क्या बोले दोस्तों, छोड़िए, अब सबको पैसा कमाना है ना, सब हमें भी पैसा कमाना है, मुझे भी पैसा कमाना है, आपको भी पैसा कमाना है, मेरे ऑडियंस को भी पैसे कमाने हैं, है ना। तो मेरे वीडियो से कुछ सीख तो आपको मिलेगा ज़रूर, मैं बोलता हूँ, वीडियो देखते रहिए, और भी वीडियो आएंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, पैसे की बहुत ज़रूरत है। और थैंक यू भाई, इंग्लिश में बोले तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सपोर्टिंग मी ऑलवेज ऑन द यूट्यूब, थैंक यू गाइज, और सलाम, चलिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू, बाय।